राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें? दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम राधा अष्टमी का भी व्रत करते हैं, और इस व्रत को आप 5 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि जैसे आपने जन्माष्टमी का व्रत किया था, ठीक उसी तरह आपको राधा अष्टमी का भी व्रत करना है। अब अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत फलाहार करके किया था, तो राधा अष्टमी का व्रत भी आप फलाहार करके कीजिए। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत निर्जल किया था, तो इसे भी निर्जल कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने जन्माष्टमी पर रात के 12 बजे व्रत खोला था, तो इसमें आप रात में क्या ही भोजन करेंगे, क्योंकि रात में पूजा तो करनी नहीं है, इसलिए व्रत आप सूर्योदय के बाद ही खोलें। राधा अष्टमी का व्रत आप फलाहार करके कर सकते हैं, और अगर निर्जल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार देख लें कि आप कितना कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सुबह से दोपहर की पूजा करने तक व्रत रहें, पूजा के बाद भोग लगाकर अपने व्रत खोल लें। और तीसरा तरीका है कि आप शाम तक व्रत करें, यानी कि पूरे दिन व्रत रहें, शाम को पूजा व राधा रानी को भोग लगाने के बाद अपना व्रत खोल लें। और चौथा तरीका है कि आप एकादशी की तरह पूरे दिन व्रत करें और अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। और पांचवा तरीका है ब्रज की तरह, वहाँ की कई जगहों पर ऐसा ही होता है कि आप सप्तमी तिथि का व्रत करें और राधा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधा रानी की मंगला आरती करें, फिर दोपहर में पूजा व अभिषेक के बाद अपने व्रत का पारण करें। मैंने आपको 5 तरीके बता दिए, अब आप जैसे चाहें इस व्रत को कर सकते हैं। पर अगर आप व्रत नहीं भी करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, बस आपको पूजा अच्छे से करनी है और पूरी श्रद्धा भाव से करनी है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा रात के 12 बजे की जाती है, और राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा दिन के 12 बजे। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, मन में राधा नाम का जाप करते रहें, दोपहर में बाल राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करें, नई पोशाक धारण कराएं, श्रृंगार करें, उन्हें ब्लू कलर की पोशाक पहनाएं। अगर ना हो तो उस दिन बुधवार है, इसलिए आप ग्रीन पोशाक भी पहना सकते हैं। अगर ये दोनों कलर ना हो तो वही पोशाक पहनाएं जो जन्माष्टमी पर आपने अपने लड्डू गोपाल को पहनाई थी। राधा रानी का धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजन करें, भोग अर्पित करें। इस दिन राधा रानी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएं, जिसमें अरबी कढ़ी व मालपुआ इनमें से कोई एक चीज जरूर रखें। अगर तीनों रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन राधा रानी का श्रृंगार करने के बाद उनके पैरों में इत्र लगाकर सुंदर सी पायल पहनाएं, फिर उन्हें फूलों से ढक दें। पूजा आरती भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद इस दिन राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करें, इसका बड़ा महत्व है। अगर आपने इसे पूरे भाव से पूरी श्रद्धा से किया तो राधा रानी के दर्शन आपको स्वप्न में अवश्य होंगे। और पूजा के बाद घर के प्रत्येक सदस्य को राधा रानी के चरणों का दर्शन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शाम को फिर से पूजा व आरती करें। एक बात का ध्यान रखें कि वो महारानी हैं और उसी तरह उनका ध्यान भी रखें। रात में उनके शयन की व्यवस्था करें, उनके बिस्तर पर तकिए पर इत्र लगाएं, फूल बिछाएं, फिर उनको शयन कराएं। और अगर आपके पास बाल राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल तो होंगे ही, आप उन्हें ही राधा रानी की तरह तैयार करें, मांग टीका लगाएं, चुंदरी उड़ाएं, फिर देखना आपके मन के भाव तुरंत चेंज हो जाएंगे, आपको उनसे बिल्कुल राधा रानी वाला फील आएगा। इस दिन पूरे दिन राधा नाम का जाप अवश्य करें। और अगर श्री कृष्ण की विशेष कृपा चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है, इस दिन राधा रानी के 32 नामों का जाप। इससे आपको श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति दोनों मिलेगी। और आप नोटिस करना कि इन 32 नामों के जाप के बाद आपके लड्डू गोपाल के चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। और जिनके भी प्रेम संबंधों में बहुत बाधाएं आ रही हैं, वो इस दिन रात में राधा रानी को शयन कराने के ठीक पहले इस मंत्र का 108 बार जाप करें, वो भी तुलसी की माला से। ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। जल्द ही आपकी सारी बाधाएं मिट जाएंगी, और अगर वो रिलेशन आपके लिए सही नहीं होगा तो वो रिलेशन ही खत्म हो जाएगा, यानी कि मिट जाएगा।